एक बार फिर पलामू पुलिस ने तस्करी के लिए ले जा रहे बड़ी संख्या में मवेशियों को जब्त किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सतबरवा के ताबर गांव से 45 मवेशियों के साथ एक तस्कर और एक बड़ा ट्रक यानी कि कंटेनर को पकड़ा है, जिसमें भरकर मवेशियों को ले जाने की तैयारी थी। सतबरवा पुलिस ने यह कार्रवाई पलामू एसपी की सूचना पर की। ताबर गांव से बड़े पैमाने पर मवेशियों को रात्रि में ट्रकों में भरकर भेजने की तैयारी की जा रही थी, जिस पर सतबरवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात्रि में ताबर मिडिल स्कूल के पास दो जगहों पर छापेमारी कर 45 की संख्या में मवेशियों को जब्त कर लिया है। वहीं मवेशियों को ले जाने के लिए खड़ा एक बड़ा कंटेनर तथा चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में थाना प्रभारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस गहनता से सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। फिलहाल पुलिस के संरक्षण में ही मवेशियों को ताबर गांव में रखा गया है। इसमें कई दुधारू गाय भी है। बता दें कि इससे पहले भी सतबरवा थाना पुलिस ने लगातार मवेशी तस्करी पर अभियान चलाकर कई लोगों को हिरासत में लिया है। इधर बताया जा रहा है कि गौ तस्करी का सरगना पलामू जिले का ही एक व्यक्ति है, जिसके तार पलामू से लेकर बांग्लादेश तक जुड़े हुए हैं। सतबरवा से बेतला होते हुए महुआडांड सड़क मार्ग के रास्ते मवेशियों को लोहरदग्गा भेजा जाता है। लोहरदग्गा से दूसरे ट्रकों में भरकर बॉर्डर पार कराकर मवेशियों को बांग्लादेश भेज दिया जाता है, जहाँ से बीफ तैयार कर दूसरे देशों में भेजे जाने की जानकारी मिल रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। बहुत जानकारी पुख्ता हो जाने के बाद बड़ी कार्रवाई की भी बात पुलिस ने कही है।